हमारे सिंघम साहब है ना, अजय देवगन, हम तो फिल्मों से सीखते हैं। तो देखा जाए तो इतने फिल्में देखे हुए हैं, वी हैव सीन कॉप्स, बट मैंने अपने हिसाब से किया है क्योंकि मैं अजय देवगन की कॉपी करूंगा तो फनी लगेगा। तो मुझे लगा कि अगर मैं इंस्पेक्टर होता तो मेरा बिहेवियर क्या होता। मेरे अंदर का जो इंस्पेक्टर है उसे मैंने जगाया और मैंने इस रोल को निभाया। थोड़ा मुझे लग रहा था कि शुरुआत में पहला सीन जब मैं कर रहा हूँ तो कोई टोक ना दे, जो हमारे डायरेक्टर हैं अगर वो कुछ बोल देंगे कि भाई नहीं लग रहा है, नहीं वो फीलिंग नहीं आ रही है, तो फिर मैं थोड़ा नर्वस हो जाता। बट मैंने अपने हिसाब से किया, उन्हें अच्छा लगा, बस रेस्ट इज यार। मुझे तो अजीब लग रहा है और आप सबको भी अजीब ही लग रहा होगा, सीनियर का हूँ मैं। अरे आई एम स्टिल लर्निंग, आई एम स्टिल ग्रोइंग, और मैं जब भी कुछ नया करता हूँ तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि मेरे लिए पहला मौका है। अभी ये फिल्म अगर आप देखोगे, पुलिस इंस्पेक्टर का रोल किया है, तो इट वॉज द फर्स्ट टाइम फॉर मी, तो मैं तो यहीं पर भी सीख ही रहा था। एंड व्हेन आई गॉट कास्ट, अंशुमन सेंट मी द स्क्रिप्ट, तो आई रेड द स्क्रिप्ट, आई सेड यार ये रोल तो बहुत अच्छा है, ये करना है। तो आई मैसेज देम इमीडिएटली, यस आई एम ऑन, आई वॉन्ट टू डू दिस, सब ओके हो गया। फिर इसने मेरे को एक हफ्ते के लिए कॉल ही नहीं किया। फिर मुझे लग रहा था यार कि स्क्रिप्ट पढ़ लिया, कैरेक्टर पसंद आ गया और करने का वो जोश भी आ गया अंदर से कि यार कुछ नया करना है। बट फिर डायरेक्टर का कॉल नहीं आता है तो फिर वापस आप सोचते हो कि कुछ कोई और मिल गया होगा मुझसे बेटर। तो एक हफ्ते बाद मैंने वापस मैसेज किया कि भाई हो रहा है, नहीं हो रहा है, मतलब मेरा ना कुछ और डेट्स आ रहे हैं, मैं बिजी होने वाला हूँ तो बता दो। तो इन्होंने बताया कि नो नो यू आर ऑन फॉर इट, सो आई एम वेरी ग्लैड दैट आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। और बहुत मजा आया मुझे, लाइक यू नो इफ़ यू वॉच दिस मूवी, जो ट्रेलर भी आपने देखा होगा, इट्स अ फन शूट, लग रहा है देख के कि यार मस्ती की है। एंड इट्स एनर्जेटिक, इट्स एक्शन, इट्स अ लॉट ऑफ ड्रामा एंड इट्स अ वेरी वेल रिटन स्क्रिप्ट, सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। मैं ये जानना चाहता हूँ अंशुमन जी, मेरे कॉलेज के दोस्त को एक हफ्ता आपने क्यों रुकाया सर? मैं पर्सनली इसको ले रहा हूँ। मेरे प्रोड्यूसर बॉम्बे पहुंचे नहीं थे तो उसका वेट चल रहा है। माने ये भाई साहब के चक्कर में इधर आइए सर, आप अनसंग हीरो नहीं हो सकते, आइए इधर प्लीज, वी हैव टू क्लैरिफाई दिस, इधर आइए सर। इतना हैंडसम सीनियर एक्टर, ऑल अपोलॉजीज, ऐसा कुछ नहीं था, वो फ्लाइट डिले हो गई थी, आई थिंक एक हफ्ता डिले हो गई थी फ्लाइट, मतलब आप एयरपोर्ट पे थे। पर एक हफ्ता मैंने कभी नहीं सुनी, बहुत बड़ी गोली है सर ये, बट इट्स ओके, वी आर ऑल हियर टुगेदर, दैट्स व्हाट काउंट्स राइट।